नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहां पर जो आज का मुद्दा है बहुत महत्वपूर्ण है, कि मुद्दा आज हमारा है पीएफआई का। पीएफआई 22 सितंबर से कार्रवाई शुरू रही, पहले 15 राज्यों में 93 ठिकानों पर दबिश दी गई, छापा मारा गया ईडी का, एटीएस का और एनआईए का, और छापे में करीब करीब 106 लोग को हिरासत में लिया गया, जिसमें पीएफआई के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष अबू बकर भी शामिल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्रवाई के दौरान जो समर्थन पीएफआई समझ रहा था कि हमको समर्थन दिया जाएगा और लोग हमारे लिए मांग उठाएंगे कि ये कार्रवाई गलत हो रही है, सुनियोजित तरीके से हो रही है, तो इस कार्रवाई पर यहाँ पर पीएफआई को वो समर्थन नहीं मिला जो जिसकी उम्मीद लगा रही थी। और क्यों पीएफआई दावा करता है कि 23 राज्यों में उसका इकाइयाँ हैं और उसके बाद से लगातार कार्रवाई जारी है। और अगर कार्रवाई उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश, और यहाँ पर भी कार्रवाई लगातार एटीएस, जनपदीय पुलिस और एसटीएफ के माध्यम से हो रही है, ईडी भी संलिप्त है, और इन कार्रवाइयों में बड़ी संख्या में लोग हिरासत में लिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि राजधानी लखनऊ के टोंजा, भक्ति तालाब नगर पंचायत से भी लोग गिरफ्तार किए गए, और 57 लोगों की गिरफ्तारी अब तक उत्तर प्रदेश से हो चुकी है। और ये जो साक्ष्य मिल रहे हैं, वो साक्ष्य मिल रहे हैं कि इनका चाहे सीए हो, एनआरसी हो, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे कानपुर वाला मामला रहा हो, पदरों का मामला रहा हो, और इनके तार कहीं ना कहीं जुड़ते नजर आ रहे हैं, चाहे लवजिहाद की बात करें, तमाम चाहे मामलों की बात करें, और जो गतिविधियाँ हैं वो बता रही हैं कि यहाँ पर पैसे कहाँ से आ रहे हैं, फंडेड कहाँ से हो रही है, और ये सारे पैसे देश विरोधी गतिविधियों में लगाए जा रहे थे। और इतिहास में भारत के सबसे बड़ी कार्रवाई, क्योंकि एक साथ कार्रवाई चल रही है, पहले 15 राज्यों में कार्रवाई रही, आज 8 राज्यों में कार्रवाई हुई, और उस कार्रवाई के बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार किए गए। असम में भी लगभग 50 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, पीएफआई के सदस्य हैं या उनसे जुड़े संगठन के सदस्य हैं। बड़ी कार्रवाई चल रही है और निश्चित रूप से कार्रवाइयों का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, और ये भी चीज़ साबित हो रही है कि कहीं ना कहीं जो गतिविधियाँ हैं वो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली हैं, क्योंकि हम गंगा जमुनी तेजी के साथ चलते हैं, यहाँ पर हम भाई भाई का एक नारा देते हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पर हर जो आदमी का जो सामाजिक व्यवस्था है वो चल रही है देश की। पर जिस तरह से ये देश विरोधी ताकतें अगर इस तरह की गतिविधियाँ करते रहेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर माहौल बिगड़ने समय नहीं लगता है, और सरकार बिल्कुल इसको लगाम बांधने की तैयारी कर चुकी है, और जिसके लिए देश स्तर पर तैयारी हो रही है और कार्रवाई चल रही है। फिर आप कुछ बयान सुनते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। को पूरी तरह से ध्वस्त कर किया जा रहा है, पूरी प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है, लोग सर्विलांस में हैं, हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में गैरकानूनी गतिविधियों को अनुमति नहीं देंगे, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, उसी के तहत लगातार कार्रवाई चल रही है। स्पष्ट रूप से अभी ये तो जाँच का विषय है, लेकिन ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में कानून के सिवाय कुछ नहीं चलने वाला है, जो भी व्यक्ति कानून हाथ में लेगा हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। पीएफआई एवं उसके अनुसांगिक संगठनों द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर कारित की गई हिंसा एवं उक्त संगठन के सदस्यों की बढ़ती हुई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस एसटीएफ एवं एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश के 26 जनपदों में एक साथ संस्था के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के ठिकानों पर रेड की गई, जिसमें कुल 57 व्यक्ति हिरासत में लिए गए। इस रेड के उपरांत मौके से बरामद विभिन्न प्रकार के अभिलेखों एवं साक्ष्यों का संयुक्त रूप से विश्लेषण किया जा रहा है। उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महत्वपूर्ण विषय है, चूंकि यहाँ पर बात यह भी है कि अगर कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई उन देश विरोधी तत्वों के खिलाफ हो रही है जो कहीं ना कहीं हमारे देश के माहौल खराब करने का एक मंशा रखते हैं। कार्रवाई देश के स्तर पर है, कार्रवाई कोई विशेष राज्य में नहीं हो रही है, सभी जगह कार्रवाई हो रही है और साक्ष्य भी यहाँ पर लिए जा रहे हैं। इसके पहले भी एनआईए और ईडी लगातार कार्रवाई करती आ रही है और तमाम तरह के पहले भी सबूत जुटाए गए थे, उसके बाद जो इनपुट आया था इनपुट के माध्यम से देखा जा रहा था कि अब ये कार्रवाई बड़े स्तर पर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर संगठन जो फैला हुआ है
और कहीं ना कहीं छोटे छोटी जगहों पर जाकर ये अपनी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। फिलहाल मेरपुर चर्चा है, उस पर हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से सभार भाई अपना पक्ष रखेंगे, नितिन सिंह यादव समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता आपके रूप में इराम रिजवी अपना पक्ष रखेंगी और नईम सिद्दीकी भाई मुस्लिम स्कॉलर के रूप में अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर पहला सवाल आएगा हमारा, आएगा नेता भाजपा से। सभार भाई, कार्रवाई हो रही है और देखा जा रहा था कि यहाँ पर कार्रवाई को विरोध भी किया जाएगा, लोग विरोध करेंगे और जुलूस निकलेंगे, पर अब तक जो हिंदुस्तान की जनता है उसने इनको वो उम्मीद नहीं दी जो उनको लगता था। ये भाई कहना था कि हमारे लिए हड़ताल भी होगी, जुलूस भी होगा, बंद भी किया जाएगा, पर यहाँ पर वो नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो देश के विरोधी है उनका साथ देश के नागरिक नहीं देंगे। क्या कहते हैं भाई? भाई साहब, ये जो आपका संगठन है PFI जी, ये शुरू से ही आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहा है जी। और आपने देखा, जो भी चाहे वो NRC का मुद्दा हो, CA का मुद्दा हो जी, हर मुद्दे पर ये सड़क पर उतर कर आए और अपने आप को ये साबित करना चाहा कि हम मुस्लिम कौम के हितैषी। लेकिन भारत की जो जनता है और भारत के जो मुसलमान हैं वो जाग चुके हैं और इस लोगों को पहचान चुके हैं कि कौन हमें देश के प्रति जागरूक कर रहा है और कौन हमें देश के खिलाफ भड़का रहा है। इसलिए जो ये कार्रवाई हुई और ये एक बड़े पैमाने पर भारत के अंदर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, इसके लिए लोग समझ चुके हैं। इसीलिए जो मुस्लिम समाज, इनको मुसलमानों से उम्मीद थी कि सड़कों पर उतरेंगे, मुस्लिम समाज का किसी भी नेता, किसी भी मौलाना, किसी का भी बयान इनके फेवर में नहीं आया। क्योंकि आपने देखा, जो घर घर तिरंगा मोदी जी ने जो अभियान चलाया, उसमें चाहे किसी भी जाति और धर्म का आदमी हो, उसने अपने घर पर तिरंगा लगाकर ये साबित कर दिया कि हम भारत के नागरिक हैं और भारत के प्रति जागरूक हैं और भारत का कानून हमारे लिए सर्वप्रथम है और धर्म और मजहब बाद में जी। तो इसको देखते हुए आप देख लीजिए कि ये आतंकवादी संगठन ये उम्मीद कर रहे थे कि मुसलमानों को जो मैंने अब तक भड़काया है और लव जिहाद में जो लोगों को हमने रुपया पैसा बांटा है, लोगों को मकान दिए हैं, वो सब हमारे लिए सड़क पर उतरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे मुसलमानों ने आतंकवादियों का साथ नहीं दिया। इसके लिए मैं इन अपने कौम को और मुसलमान भाइयों को बधाई देता हूँ कि जो आसीन के साथ भारत में छुपे हुए हैं, आपके घर के बगल में है या आपके मोहल्ले में ले रहे हैं, उनको तुरंत तत्काल आप पुलिस थाने में रिपोर्ट करके पकड़वाइए और जब ये पकड़ करके इस तरह के लोग जब जेल के अंदर होंगे, तभी इस देश में भाईचारा, अमन और चैन कायम हो सके। सपा भाई, पर विपक्ष का कहना यह भी है कि यहाँ पर चुनाव के समय कार्रवाई क्यों की गई, पहले भी कार्रवाई कर सकते थे। देखिए, ये अभी मैं कुछ दिन पहले एक डिबेट पर बैठा हुआ था जी, तो ये मुद्दा सामने आया था जी कि पहले क्यों नहीं कार्रवाई की जी। तो मैं फिर उसी चीज को दोहराना चाहूंगा, पहले एक आतंकवादी संगठन उभरा था जिसका नाम सिमी था और सिमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पकड़कर सबसे बड़ी गलती की यहाँ की जांच एजेंसियों ने, जो उनके छोटे स्तर के प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता थे वो कहीं लुप्त हो गए और इसी PFI संगठन से जाकर जुड़ गए। लेकिन हमारी जांच एजेंसियों ने सारी जांच रिपोर्ट निकालकर जो इनपुट था हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को बताया, उन्होंने कहा धैर्य रखो और एक एक आदमी को चिन्हित करो कौन कहां पर है। इसीलिए 15 राज्यों में एक साथ छापेमारी हुई, 8 राज्यों में एक दो दिन में और हुई जिसमें 93 स्थानों पर कार्रवाई की गई और 105 और 106 लोग पकड़े गए। ये भारत में आजादी के बाद से सबसे पहला सर्जिकल स्ट्राइक है जो आस्तीन के सांपों को पकड़कर बाहर निकालने का काम किया। ठीक है सपा भाई, ठीक है। प्रवक्ता सपा नितिन भाई, सपा भाई की आपने बात सुनी, कह रहे हैं कि हमारी कौम को भी धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया और देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ देश हमारा एकजुट है। अगर कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि देश सबसे बढ़कर है, क्या मानते हैं? निश्चित रूप से कहीं भी अगर देश के अंदर जी कोई भी व्यक्ति जी देश का अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश करे जी, वो किसी संगठन से जुड़ा हो जी या किसी संगठन से नहीं जुड़ा है जी, वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति है जी, वो एक छोटे समूह का व्यक्ति है जी, किसी मजहब जी की कट्टरता को समर्थन करता है जी, नहीं करता है जी,
देश का संविधान किसी को भी देश का अमन चैन बिगाड़ने की अनुमति नहीं देता है जी। एक बात जी। अब बात आती है भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कह रही कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, दो बातें ये कहते हैं। एक कहते हैं कि एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो कभी भी अपना काम करेंगी। ठीक है, जब एजेंसियां अपना काम करेंगी जी। और एजेंसियां अपना काम कर रही हैं जी। तो ये अपनी पीठ क्यों थपथपा रहे हैं जी। फिर ये क्यों क्रेडिट लेने की बार बार बात करें भारतीय जनता पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्राइक किया है तब फिर समय शुरू हो जाता है कि फिर ये टाइमिंग का सवाल। अच्छा, कि अब आप क्यों कर रहे हैं, कब करना चाहिए था और 8 साल से आप क्या कर रहे थे। कोई ये जो संगठन है जिसका नाम ले रहे हैं, मैं तो ऐसे संगठनों का नाम भी लेना नहीं उचित समझता हूँ कि इनकी बड़ी टीआरपी नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल सही बात है, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा क्यों हाईलाइट किया जाए, बेवजह इनके टीआरपी बढ़ाई जाए। अच्छा, ठीक, इनके आतंकवादी कहने में डर रहे हैं, आतंकवादी संगठन कहने में डर रहे हैं जी, कहीं ऐसा ना हो वोट बैंक सड़क जाए। साफ़त भाई जी, जी भाई। आपकी सरकार को डिक्लेयर कर दो ना जी, आपकी नाकामी है जी, आप नपुंसक हो जी, आपकी हैसियत नहीं है कि उसको बैल लगा दो जी। आपकी हैसियत अगर है, आप सरकार में बैठे हो, मैं ताली बजा के समर्थन करता हूँ, आज आप उसको आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करो, इस पर बैन लगाओ, हम लोग आपका समर्थन करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार और आपके जैसे लोग सिर्फ ध्रुवीकरण की बात करते हो, आप जैसे नपुंसक लोग हो जो सिर्फ भावना जानते हो। मर्यादा बात करिए, समाजवादी की मर्यादा ही है। मेरे बीच में क्यों बोले जी, ये मेरे बीच में क्यों बोले, इनके बीच में बोला समाजवादी की मर्यादा है। कितनी बारी आती, मैं जानता हूँ तुम्हारे जैसी मर्यादाओं, मैं 3 बार सुन चुका हूँ तुम्हारी डिबेट, और तुम्हारे जैसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता हूँ। तो मैं मेरे भी बोलना नहीं चाहिए था, अगर प्रवक्ता होते और समझदार होते तुमने चाहिए था। आपकी मैं जवाब दे रहा हूँ एंकर को, मैं जवाब दे रहा हूँ गौरव जी को, गौरव जी मुझसे प्रश्न करेंगे, गौरव जी को जवाब नहीं दे रहे, आप जनता को जवाब दे रहे हैं। बोलिए, आप जवाब, गौरव जी को जवाब नहीं दे रहे, डिबेट मुझसे कर रहे हैं। जब आपसे प्रश्न किया जाएगा, एंकर का काम है सवाल उठाना, नहीं बोलोगे आप मेरे बात को नहीं काटेंगे जी, सवाल में बोलेंगे। आप काटेंगे तो मैं खुला चैलेंज करता हूँ कि फिर आप एक शब्द बोल के दिखा दो जी। ठीक है, ये गुमराह मत करो देश के लोगों को, मैं चैलेंज करता हूँ। गुमराह आप कर रहे हो, चैनल के आतंकवादियों के समर्थन में आए हो, आतंकवादी संगठन को आतंकवादी नहीं बोल पा रहे हो। अरे क्या तरह समर्थन करेंगे आप, बैन लगा दीजिए जी। सुने, बोलिए, मैं लगेगा लोगों का नाम लेना उचित समझता हूँ, इनकी टीआरपी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये टीआरपी नहीं, आतंकवादी संगठन है। आप टीआरपी की बात कर रहे हैं, आतंकवादी संगठन को आप आतंकवादी नहीं कहेंगे, उसकी टीआरपी बढ़ाना बात हुई। अरे आफत सुनो तो, मैं कभी सुन रहा हूँ भैया, सरकार नपुंसक सरकार है, डिक्लेयर करो, जैसे आरएसएस को वल्लभ भाई पटेल ने वर्ण कर दिया था। अच्छा, माफी मांगी थी जब कहा था कि हम संविधान पर आस्था रखेंगे तब खोला गया था, आप इसको बैन करो ना आज, आप बैन करो, बैन होगा, अब बैन होगा, अभी उसके ऊपर अभी उनके उनके अकाउंट को भी ढूंढा जा रहा है। मैं वकील हूँ, पीएफआई के अकाउंट को भी ढूंढा जा रहा है। सब तो मर्यादा है, जब तक मुल्ला उमर, अरे भाई सुन लीजिए, सभा भाई मदरसे से निकल कर गया था, सभा भाई, सभा भाई सुन लीजिए, सुन लीजिए, जवाब दीजिए, जवाब आपका मौका दूंगा, बोलिए, सुन लीजिए, सपाल भाई, नितिन भाई को सुन लीजिए। जी सुनना भाई, जी भाई सर, जी भाई सर, बोलिए नितिन भाई, बोलिए। देखिए मैं इनके बीच टोकता नहीं हूँ, और बीच में अगर टोकेंगे तो दिक्कत होगी। नहीं बोलिए, मेरी बात तो सुन ले, बोलिए, और इसके बाद में फिर जवाब दे। जी बोलिए, बोलिए, मैं ये कह रहा हूँ, मैं पैसे से अधिवक्ता हूँ, मैं मुलजिम और मुजरिम का अंतर जानता हूँ, तब किसको आप मुलजिम बोलोगे और कब उसको मुजरिम बोलोगे। जी बिल्कुल, आज मैं कहता हूँ, मैं अपनी जुबान से किसी को ना आतंकवादी बोलूंगा, ना किसी को शरीफ आदमी बोलूंगा, ये मुझे अधिकार नहीं है। जी। जब तक न्यायालय किसी को दोषी करार नहीं देता है, तो मैं बीइंग एडवोकेट जानता हूँ कि मैं उसको अपराधी नहीं कहता हूँ। जी बिल्कुल, कार्रवाई हो सकती है, किसी के ऊपर जांच का विषय हो सकता है, आप गिरफ्तार करिए, कार्रवाई करिए, मैं किसी को अपनी जुबान से क्यों अपराधी कहूँ। जी। और ये भारतीय जनता पार्टी ही 80-20 की बात करती है,
अच्छा ये कह रहे हैं आतंकवादी है। मैं कह रहा हूँ कि सरकार में बैठे हो ना आप, संगठन को डिक्लेयर करो आज की डेट पे, कहने में बैठ के आप डिक्लेयर करो कि ये आतंकवादी संगठन है और इन पर आज की डेट पे प्रतिबंध लगाया जाता है। क्यों नहीं कर रहे हो भाई जी? बिल्कुल, क्यों तुमको किसी ने रोका है? सरकार ने हो। और सबसे बड़ी चीज ये 8 साल की नरेंद्र मोदी जी की सरकार की असफलता है। आपकी एजेंसियां क्या कर रही थी इतने दिनों से? आपकी एजेंसियां, आपके पास बड़ी बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं और 8 साल से आप सरकार में बैठे हो। 8 साल में जो आपने कहा इनके पास धन आता है, काला धन आता है, मैं पूछ रहा हूँ ये काला धन आता है या पीला धन आता है? तो आप नरेंद्र मोदी जी माननीय देश के प्रधानमंत्री थे, क्या बात है? और जब माननीय मुख्यमंत्री थे तो ये पूछा करते थे कि ये बताइए ये दहशत है मोदी जी की, ये दहशत है मोदी जी की। भाई टंग, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ कि टंग स्लिप हो जाए तो आपको चलाओ, आप चलाओगे तो मेरी टीआरपी बढ़ जाएगी। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, जब यही प्रधानमंत्री थे तो कहते थे क्या कारण है कि देश का रुपया गिरता है, यही पूछते थे कि क्या कारण है कि आप केंद्र की सत्ता में बैठे हो, देश का विदेशी पैसा कैसे आ जाता है? मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं विदेशी फंडिंग हो रही है, तो विदेशी फंडिंग किस रास्ते से हो रही है? सरकार की सहमति से हो रही है। अच्छा ठीक है, आप कैसे रोक नहीं रोक पाए? जवाब लेता, जवाब लेता, ऐसा कहते हो कि जवाब लेता नितिन भाई, जवाब, जवाब दीजिए। क्या ये, मैं आज तो सवाल पूछता हूँ आपके माध्यम से, जवाब लेता हूँ। एक तो ये कह रहे हैं आतंकवादी संगठन जिसको उसको ये आतंकवादी संगठन घोषित करें और बैन करें, दूसरा जो विदेशी फंडिंग हो रही है अब तक 8 सालों ये डिक्लेयर करें कि कितनी विदेशी फंडिंग हुई, किसने किसने की, और अब तक ये लोग क्यों नहीं रोक पाए, और जिनने विदेशी फंडिंग की है उन पर ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, जिसका जवाब आज देते। ठीक है, हमारे साथ इरम रिजवी जी जुड़ी हुई है हमारी पार्टी से। इरम जी, पूरा घटनाक्रम आपने देखा है और सुना भी है, क्या मानती है जो कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई के पीछे विपक्ष का आरोप है कि समय के अनुसार कर रहे हैं कार्रवाई, चुनाव को देखते हुए कर रहे हैं, जबकि ये कार्रवाई पूरे देश स्तर पे हो रही है, ऐसा भी नहीं कि किसी राज्य में से चुनाव हो, 15 राज्यों में पहले कार्रवाई हुई, आज 8 राज्यों में कार्रवाई हुई, और अगर सामाजिक सौहार्द को कोई खराब करना चाहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या मानते हैं आप? जी जी, कोई भी व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन संगठन अगर किसी भी विरोधी देश विरोधी गतिविधियों में पाया जाए जी, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर एक जी। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी किसी भी रूप में देश विरोधी लोगों के साथ ना कभी खड़ी थी और ना कभी खड़ी रहेगी जी। और एक बात और कहूंगी कि जिस तरह से हर बार ये पीएफआई का नाम आता है, जब भी कोई बवाल होता है, जब भी कोई दंगा होता है, जब भी कोई हिंसा होती है, तो पीएफआई के नाम पर राजनीति की जाती है, पीएफआई पर इल्जाम कर राजनीति की जाती है। तो मैं इस चीज पूछूंगी कि क्यों नहीं इस पर कोई कठोर कार्रवाई हो? हमें तो इस पर कोई कठोर कार्रवाई कभी होती दिखती ही नहीं है, ना कोई कार्रवाई तो होती ही नहीं है। कठोर कार्रवाई करके इस मामले को खत्म क्यों नहीं किया जाता है? तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये बीजेपी का एक प्लांटेड संगठन है, जो ये चाहते हैं बवाल जहां चाहते हैं वहां करा देते हैं जी। आवाज बढ़ाई जाए भाई, आवाज बढ़ाई जाए, आवाज नहीं आ रही है रिजवी जी की जी। क्या अब मेरी आवाज आ रही है? बोलिए 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 बोलिए, बहुत स्लो आ रही है आवाज, पर बोलिए बोलिए। मैं ये कह रही थी कि पीएफआई के नाम पर राजनीति की जा रही है, पीएफआई पर लगातार इल्जाम लगाकर इस पर राजनीति की जा रही है, क्योंकि ना तो इस पे कोई कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है और ना कोई कठोर कार्रवाई कर इस मामले को खत्म किया जा रहा है जी। या तो ये काल्पनिक है, काल्पनिक क्यों है भाई? इतने लोग गिरफ्तार हुआ है, क्या लगता है काल्पनिक कार्रवाई तो होगी नहीं? पूरे देश के स्तर की कार्रवाई हो रही है और राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई तो मेरे ख्याल से या तो ये काल्पनिक ताकत है या तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इस्तेमाल बीजेपी के यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। सरकार, भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं माहौल को खराब करने के लिए, हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराने के लिए। कहाँ झगड़ा हो रहा है मैडम, कौन से मुसलमान सड़क पर उतर के आ गए? देखिए मेरी बात आप सुनिए, 106 लोग गिरफ्तार हो गए, कोई आदमी सड़क पर नहीं उतरा, कोई मुसलमान सड़क पर नहीं उतरा। आपको हिंदू मुस्लिम दिखाई दे रहा है? मैंने पहले ही आपसे कहा। अरे मैडम, आप पार्टी से हैं, उन तथ्यों वाली बात करिए। आतंकवादी संगठन को आपको आतंकवादी कहने में डर लग रहा है? कोई याद है? देखिए ये आप जानते हैं कि आतंकवादी, तो आप उसकी क्यों नहीं कहते, आप उसको डिक्लेयर कर दीजिए। देखिए एक बात सुनिए, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में कहा था कि कोई भी मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, ये चिंता का विषय है। बता दिया कि मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, ना हिंदू की ना मुसलमान की राजनीति करती हूँ, सिर्फ मुद्दे की बात करूंगी। अब मुद्दे की बात करिए, आप एक संगठन का समर्थन क्यों कर रही हैं? आइए आप मुद्दे पर आइए, इधर उधर मत, आप आइए मुद्दे पर। मुद्दा है PFI आतंकवादी संगठन है या नहीं, आज का मुद्दा ये है। आप बताइए किसके साथ है, आप देश के साथ है या आतंकवादियों के साथ है? नहीं देखिए, आप इसका जवाब दीजिए देश की जनता को। देखिए ये आपकी बात, भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करती तो 105 लोग कैसे गिरफ्तार हो जाते, 93 स्थानों पर कैसे छापे पड़ते, 15 राज्यों में कैसे छापे पड़ते, इसका जवाब दीजिए। अखिलेश जी की सरकार थी तो मुख्यमंत्री आवाज तक फोन चल जाता था कि ये मेरा वोट बैंक है, इसको छोड़ दो। मुजफ्फरनगर में दंगा करवा दिया, इलाहाबाद में दंगा करवा दिया, बरेली में दंगा करवा दिया, समाजवादी पार्टी की सरकार में 150 दंगे हुए। आप क्या चाहती हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बताइए उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हो गए, आप बताएंगी? आप बताने का कष्ट करेंगी इस देश को? हिंदू मुसलमान करके पूरा एकदम माहौल खराब करके रख दिया आप लोगों ने देश का। आपके पास वोट बैंक बचा नहीं, अब हिंदू मुसलमान रहेंगे आपके पास। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों पर फर्क करती है, राशन बांटा गया मुसलमान ने फर्क किया, गैस का सिलेंडर बांटा गया मुसलमान ने फर्क किया, प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या मुसलमानों ने फर्क किया, कहाँ पे फर्क किया आप बताइए? ये गला फाड़ने से काम नहीं चलेगा मैडम, आपसे स्पष्ट की आवाज बढ़ाई जाए। PFI के साथ खड़ी है या देश के साथ खड़ी है? इरम बिजली की आवाज बढ़ाई जाए, आवाज कम आ रही है, देश की जनता आपको सुन रही है। इरम जी आपकी आवाज कम आ रही है। PFI का बहाना लेकर हिंदू मुसलमान मत करिए, PFI आतंकवादी। इरम जी आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है, इसकी सजा इसको मिलेगी। इरम जी आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है। 106 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, ये छोटा काम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और देश की एजेंसियों की उपलब्धि है। बोलिए बोलिए इरम जी, इरम जी क्या बोलेंगी? इरम जी जवाब दें, बोलिए आतंकवादियों के साथ है या देश के साथ है? बोलिए बोलिए इरम जी, फोन लगा सकती डायरेक्ट, लीड हटा दीजिए आप अगर दिक्कत हो रही है उससे। जवाब दीजिए इरम जी, देश आपको सुनना चाहता है जी, दो शब्दों में जवाब दीजिए, आप देश के साथ है या आतंकवादी संगठन के साथ है जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए? इरम जी बात करिए, वो हिंदू है या मुसलमान हो, आतंकवादी का कोई धर्म और कोई जाति नहीं होती जी। जब बम फूटता है तो उसमें हिंदू भी मरता है, सरदार भी मरता है, सभी जाति के लोग मरते हैं जी। इरम जी आपको मेरी आवाज आ रही है? 14 से पहले इस देश में ठीक है, ठीक है सवाल भाई, हो गया। इरम जी को मेरी आवाज नहीं आई शायद, अभी जवाब लेता हूँ इरम जी से। नईम सिद्दीकी भाई जुड़े हुए हमारे साथ। नहीं भाई, क्या मानते हैं जो कार्रवाई हो रही है निश्चित रूप से, या कार्रवाई हो रही है और अगर देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देश सबसे बड़ा है और यहाँ पर जाति धर्म से पहले हम लोग भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते इन कार्रवाइयों का समर्थन होना चाहिए, क्या मानते हैं भाई? देखिए गौरव जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है जी, देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए। गौरव जी आवाज नहीं आ रही है, नहीं देश की एकता और अखंडता, सवाल भाई की आवाज देखिए जी। हेलो नईम जी की आवाज नहीं आ रही जी। हम सबकी यहाँ की खून की में मिट्टी में हमारा भी सबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका खून शामिल है और सबका आज़ादी से लेके 1947 से लेके आज तक के मुसलमान चला आ रहा है। और जैसे अभी भाई ने कहा कि 106 लोग पकड़े गए हैं,
अब ये तो पहले तो बात ये है, पकड़ने का विषय है, जांच का विषय है, पहले जांच होने दीजिए। 106 पकड़े गए, मैं भी मानता हूं, साथ भी मिले हैं और ये साक्ष्य भी मिले हैं, जो साक्ष्य में आ रहे हैं उनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाए। उसके लिए मैं भी ये कहता हूं कि देश के हित में कोई भी गलत काम करता है, क्या हिंदू हो, क्या मुसलमान हो, सिख ईसाई, एनी वे कोई भी हो, उसके साथ में कोई मतलब कुछ भी उसके साथ रियायत ना बरती जाए। दूसरी बात, बिल्कुल रही बात ये है कि इस वक्त जो है जांच का विषय है। देखिए सबसे पहली बात, 2000 में आपको मालूम है कि अब से 2 साल पहले बीते, 2000 में जब CNRC चल रहा था, शफात भाई ने कहा जी, तो उस वक्त आपको मालूम होगा कि कई जगह PFI के ऊपर फंडिंग को लेके कई बार केसेस आए। लेकिन मैं ये कह रहा था कि जब 2 साल का वहां पे आप पहले था, आप पिछले चले जाइए, तो जब वहां फंडिंग का चल रहा था, इनके कुछ लोग पकड़े गए और बाद में सारा हुआ, मेरा ये कहने मतलब 2 साल तक के क्यों छोड़ा गया? क्योंकि नहीं, सर गौरव जी, अब ये एज ए टाइम पे मतलब आ रहा है, इलेक्शन के करीब आ रहा है, अरे 1.5 साल है, भाजपा अपनी गौरव जी गिना रही है, 120 करोड़ रुपया जब्त किया है ईडी ने, देश का, सुन लीजिए, 120 करोड़ रुपया, अरे मैं बता, देश का जो इस वक्त हमारे हिंदुस्तान के अंदर, मैं तो मानता हूँ कि ये जांच का विषय है, जो भी गलत है उसको कहीं बख्शा ना जाए, उसके लिए मैं भी कह रहा हूँ और दूसरी बात ये, आप ये बताइए कि हमारे ऊपर मुसलमानों, क्या हिंदुस्तान ने, आज ये लोग जो भाजपा वाले कहते हैं 2014 में देश को आजादी मिली है, तो क्या 47 में आजादी नहीं मिली थी पहले? ये तो आप जाने, आप लोग जाने पहले ये लोगों से पूछिए। दूसरी बात, आप ये बताइए 1947 में आजादी हुई थी, जो 4 बार अभी आपने दिल्ली में देखा है, शफात भाई दिल्ली में अभी देखा है, मस्जिद में जा रहे थे तो उमर इलियासी ने क्या कहा कि ये देश के राष्ट्रपिता है, तो आपको क्या तकलीफ हुई? मतलब देश के ये राष्ट्रपिता है, मौलाना कोबर को बताया गया और इलियास साहब को, उनको बताया गया कि ये देश के राष्ट्रपिता है मोहन भागवत को, तो बड़ी गर्व की बात कहना पड़ती है कि देश के राष्ट्रपिता कैसे हो सकते हैं? वो तो महात्मा गांधी था, एक ही देश का राष्ट्रपिता था, वो महात्मा गांधी था, लेकिन मोहन भागवत को क्यों उन्होंने, उमर इलियास साहब ने ये बात कही कि वो राष्ट्रपिता है, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, वो उसके ऊपर, उनके ऊपर जोर था या क्या था? तो आप क्यों नहीं बोलते, आपका जोर नहीं है? कहने की बात ये कहती है, ये कौन सी बात है, जोर कैसा हुआ? हमको ये चीज होना चाहिए कि हिंदुस्तान के भाई, आर्मी अपनी बात करें, स्वतंत्र, उन्होंने अगर राष्ट्रपति बोल दिया, राष्ट्रपति बोल दिया, तो क्या बोल दिया? हम स्वतंत्र देश में हैं और स्वतंत्र के लिए, नहीं नहीं एक मिनट शपथ, स्वतंत्र देश के अंदर सबको कहने का हक है। देखिए एक बात है, दूसरी बात, हम करें PFI नहीं, सारे इंडिया में जितने भी संगठन है, मैं तो कह रहा हूँ PFI क्यों, अभी आपने पिछले नेक्स्ट मंथ में देख रहे थे कि आपके 13,338 मदरसे जो हैं वो एडेड हैं, और जिसमें से 558 वो मदरसे हैं जिनको मतलब गवर्नमेंट की दे रही, तो अनुदान मिलता है, क्या अनुदान मिल रहा है, वो तो आप लोग जानते हो कि कितना मिल रहा है। सिर्फ कहने की बात है कि ये इलेक्शन का दौर है, आप सारी चीज जो भाजपा है नकारती चली जा रही है, ना लोगों को नौकरी दे पा रही है, ना आपको उसको किसी को नौकरी देने के बाद, ना तो उसका कोई सही से उसका हो रहा है, किसी भी कर लीजिए, महंगाई चरम सीमा पे है। आपको मालूम होना चाहिए कि 81 रुपए $1 हमारा, एक रुपया हमारा और 81 रुपए के डॉलर पे आ गया है, और जबकि 1947 में ₹1 था इंडिया का, वो $1 के समान था। आज हमारा देश कहाँ पे पहुंचता चला जा रहा है? हमारी भाजपा की, सुन लीजिए, भाजपा इस पे नहीं करती है, 1000 के ऊपर सिलेंडर 1100 का होगा, उस पे भाजपा नहीं सोचती है। लड़के बेरोजगार है, 2 करोड़ इन्होंने कहा था, मुद्दे तो यही अभी आ रहे हैं, भाजपा भटका रही है, मुद्दे सारे भाजपा भटकाती चली आ रही है। नहीं भाई, जो अभी करंट आया, सुनिए, इशू तो सही है कि आप इस वक्त लाए हैं, इससे पहले आपका मदरसों के ऊपर था, आप सारे जितने भी हैं सारे क्या मुसलमानों के ऊपर? एक मिनट सारे मजाक बताइए, सरकार ने, एक मिनट एक मिनट सवाल भाई, आप मुसलमानों का नाम नहीं लीजिए, तुष्टिकरण की बात मत करिए, क्या मुसलमानों को हर सारे को मुसलमान, हर चीज में हम, अरे सरकार सम्मान नहीं कर रही है, न्यूज़ से बात करने वाले, आप अपने मठों को भी तो देखिए, नहीं भाई को देखिए, सरस्वती मंदिर को देखिए, क्या पढ़ाई हो रही है, खाली बम मदरसे, यहाँ पर चर्चा के ऊपर करिए ना, नहीं भाई सबके जांच कराइए, एक मिनट सबकी जांच कराइए, नहीं भाई ये बताइए, मेरा कहना क्यों इतना है, डिबेट करने आए हो, झगड़ा करने, सफर भाई एक मिनट रुकिए, सफर भाई ये बताइए, सरकार की कोई किसी योजना में आपको नहीं मिलता, नहीं
राशन मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या राशन जो मुफ्त राशन बांटा है। मेरी बात मेरी बात जवाब दीजिए, मेरी बात जवाब, पहले मेरे का जवाब। इससे पहले भी सरकारों ने दिया है, दिया है ना। तो फिर आप जो है आप ये क्यों कह रहे हैं कि सरकार मदरसों को लेके, अभी सरकार की घोषणा हुई है कि जो नीट जो पास किया है मदरसों के छात्र में उनको सबको सम्मानित किया जाएगा। सरकारी पहल है, सुनिए, इंडिया के अंदर 1800 ये मदरसे के ऊपर वाले ने बहुत बड़ी बात दी, 1800 मदरसे में बच्चे बैठे थे नीट में जिसमें 1200 क्वालिफाई कर गए। आप ये बताइए मदरसों को क्या कहते हैं कि ये मतलब आतंकवादी अड्डे हैं? किसने कहा भाई? आप अरे इन्हें की भाजपा के गवर्नमेंट के सरकारें कहती है, सांसद विधायक कहते हैं, कह दिया भाई। अरे एक आपको अभी आप हाँ। बैठे हैं गौरव जी, एक ने हजारों ने कहा। अच्छा। कोई ये कोई ये खुद सभा साहब जानते हैं। अच्छा। आप बताएं कि किसने ये कहा? अपनी बात पूरी करिए, आपकी बात कर गई। बोलिए जी, बोलिए। तो मैं यही बोल रही थी कि पीएफआई के नाम पर हमेशा राजनीति होती है, लेकिन पीएफआई पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। बीजेपी उसको एक संरक्षण भी दिए हुए है और जहां चाहती है वहां इस्तेमाल भी करती है। अच्छा, इसमें सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी अभी तो सुध लेना चाहिए सारे देश में। देखिए ये अभी मुसलमान 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 कह रहे हैं, ये वो पार्टी है। अरे ये तो मुसलमान है, की बात आएगी तो हिंदू 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 करेंगे। इरम जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। इरम जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आप आतंकवादियों के साथ है या देश के साथ है? जी, आप इसका जवाब दे दीजिए। पहली बात बता दूं, सबसे पहली बात बता दूं, आतंकवादी आतंकवादी होता है, ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। तो पीएफआई के साथ है आप? आप पीएफआई के साथ? समर्थन नहीं मिला इसका, अर्थ है कि देश के साथ में भाई। भाई आप बताइए, आप देश के साथ हैं या आतंकवादियों के साथ हैं? मैं डर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुलेआम मुसलमान होकर के कह रहा हूँ, पीएफआई संगठन देश की आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाया गया इसलिए उस पर कार्रवाई हुई, मैं खुले तौर पर कह रहा हूँ। आप बताइए पीएफआई के साथ है या देश के साथ है? आप पीएफआई के साथ है, देश के साथ है? सरकार को किनारे कर दीजिए, सरकार को चुन कर आती है। आप बताइए सरकार सबकी है, सरकार 130 करोड़ की चल रही है, भारत में जो सरकार है वो 130 करोड़ की है। आप अपना जवाब स्पष्ट कीजिए, आप आतंकवादी संगठन पीएफआई के साथ है या देश की जनता के साथ है? ठीक है, ठीक, जवाब लेता हूँ, जवाब लेता हूँ। सबर भाई हमारे साथ, जवाब दीजिए इनसे, जवाब लेता हूँ। हमारे साथ वेद प्रकाश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं जो कि आरएलडी से अपना पक्ष रखेंगे। हमारे साथ वेद प्रकाश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं जो कि आरएलडी से अपना पक्ष रखेंगे। फिर भाई कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई पर यहाँ पर जो उम्मीद जताई जा रही थी कि मुस्लिम संगठन यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, पीएफआई को सपोर्ट नहीं मिला और देश ने जता दिया कि जो आतंकवादी है, जो देशद्रोही गतिविधियों को अंजाम देंगे, देश के नागरिक उनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि हर जाति धर्म से हटकर हम लोग भारतीय हैं। क्या मानते हैं रालोद का पक्ष है? जहां तक बात है, दो प्रकार की व्यवस्थाएं चलती हैं, एक राष्ट्र विरोधी और एक सरकार विरोधी। अच्छा, राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ कोई नहीं आज तक खड़ा हुआ है। अच्छा, सरकार विरोधी जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का तरीका है उनके साथ अपने अपने मतानुसार लोग जुड़ते हैं और उनके साथ वो खड़े होते हैं। यदि कोई भी संगठन जो देश के विरोध में काम कर रहा है, राष्ट्र के विरोध में काम कर रहा है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता है, ना हम खड़े हैं। जी, जांच चल रही है जी।
अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, जांच हो जी। और जांच होने के बाद सरकार ये स्पष्ट करे कि ये संगठन इन गतिविधियों में संलिप्त है और इनके विरुद्ध सभी राजनीतिक दलों की राय क्या है जी। तब जाकर के स्थिति स्पष्ट होगी। अभी से किसी के ऊपर कुछ भी कह देना अच्छा। मैं समझता हूँ कि जल्दबाजी। साक्ष्य मिल रहा है उनका क्या कहेंगे? देखिए साक्ष्य तो बहुत सारी चीजों में मिलते हैं, उनका विश्लेषण होता है। कभी कभी कुछ ऐसे साक्ष्य आ जाते हैं जो न्याय की कसौटी पर खरे नहीं उतरते अच्छा। जब मामला चल रहा है और इस पर कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, तो वो जांच हो कार्रवाई हो और जब तक जांच और कार्रवाई पूरी न हो जाए तब तक किसी भी व्यक्ति को किसी भी आदमी को सर्टिफिकेट देने का कोई अधिकार नहीं है अच्छा। चाहे वो कोई भी दल हो अच्छा। देश में हर व्यक्ति को आप कार्रवाई समर्थन करते हैं या ना? किसका जो कार्रवाई हो रही समर्थन करते हैं आरोप? देखिए मैं तो समझता हूँ इस देश का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने वाले किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं करेगा और ना ही हम समर्थन करते हैं। लेकिन जांच और कार्रवाई के दौरान ही किसी को सर्टिफिकेट जारी कर देना ये मेरी समझ से तो गलत बात है, ये उचित नहीं है। थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, जब समय आएगा तो उस पर भी बात होगी और उस पर भी बहस होगी, उस पर ही चर्चा होगी। तमाम मुद्दे देश के सामने ज्वलंत खड़े हैं, उन मुद्दों पर भी बहस होनी चाहिए। अच्छा, तो आपका मानना यह है कि अगर जो कोई गिरफ्तार किया जा रहा है तो NIA, ATS और ED बिना किसी साक्ष्य के उनको हिरासत में ले रही है? देखिए एक बात समझ लीजिए, जहां तक हिरासत में लेने की बात है हाँ। आप अपनी तरफ से कोई बात कह दें आप स्वतंत्र हैं। अच्छा, हमने जो पक्ष रखा वो रिकॉर्डेड है जी। साक्ष्य के आधार पर जिन लोगों को गिरफ्तारियां की जा रही हैं वो साक्ष्य भी और आगे जाएंगे जी। वो यहीं पर साक्ष्य समाप्त नहीं हो जाते जी। या गिरफ्तारी किसी के अपराधी होने का सर्टिफिकेट नहीं है जी। तो आप सब्र रखें जी। वो समय आने दीजिए, जब वो समय आएगा जी। तो उस समय इस विषय पर चर्चा होगी कि साहब जिसको पकड़ा गया था, जिसको गिरफ्तार किया गया था, उसके विरुद्ध ये साक्ष्य मिले हैं। अब आप बताइए इसके बारे में आपका क्या कहना है, तब उसके बारे में सर्टिफिकेट जारी होगा कि साहब ये अपराधी है या गैर अपराधी। वो भी अच्छा प्रश्न नहीं है, सामने बहुत जल्दी आएगा। पर मतलब सपा हमारे साथ नितिन भाई है। नितिन भाई, सबकी बात सुनी आपने, यहाँ पर इरम जीजी की बात भी सुनी आपने, सपाल भाई की बात भी सुनी और बेपका मिश्रा की बात सुनी। आपका कहना यह है कि निश्चित रूप से यहाँ कार्रवाई हो रही, कार्रवाई होनी चाहिए, पर आपका कहना यह भी है कि अगर कार्रवाई हो रही तो इनको, अगर संगठन वास्तव में गतिविधियों में शामिल है तो बैन होना चाहिए, यह आपको कहना था। बोलिए भाई, नितिन भाई। नहीं, मेरा ये जैसा कि अभी आज भाई भी कह रहे थे जी। मेरा देखिए दो बातें हैं, बीइंग एडवोकेट भी कि किसी को मैं ऐसे सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। बिल्कुल सही बात है, मैं किसी को ना तो अपराधी साबित कर सकता हूँ, ये मेरा काम भी नहीं है जी। ये काम सरकार और न्यायालय का जी। न्याय सरकार का काम है कि आपको कोई व्यक्ति संदिग्ध लगता है, आप तत्काल उसकी गिरफ्तारी करते हो, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आप दर्ज करते हो, फिर आप जांच करते हो, चार्जशीट करते हो, कोर्ट पे पेश करते हो, कोर्ट उसको एग्जामिन करता है, तो रिजल्ट आते हैं। या तो जांच के पहले, तो पहले स्टेज होती है कि पुलिस ही जब जांच कर रही होती है तो या तो जांच के दौरान फाइनल रिपोर्ट देगी या चार्जशीट देगी। अगर साक्ष्य पाए जाएंगे चार्जशीटेड हो जाएंगे, अभी तक तो कोई चार्जशीटेड भी नहीं है, फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। आज की डेट पर किसी को आप डंके की चोट पर आतंकवादी 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 कह रहे हो, बिल्कुल ठीक बात है। तो मेरा उस सेंटेंस पर कहना है कि अगर आपने ये साबित कर दिया है कि ये संगठन आतंकवादी संगठन है, तो फिर ये आपकी नाकामी है 8 साल में कि किसी आतंकवादी संगठन को अभी तक बैन क्यों नहीं किया गया, मेरा एक प्रश्न है। दूसरा, इन्होंने कहा कि अखिलेश जी की सरकार में फोन आ जाते थे, अखिलेश जी की सरकार आतंकवादी है छोड़ दीजिए, ये इनका प्रोपेगंडा झूठे आरोप है। आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार में फोन नहीं आते थे, अगर मुजफ्फरनगर में दंगा होता था तो एक अट्टे के अंदर PSC तैनात हो जाती थी और माल लाठी दोनों ठीक कर दिए जाते थे। अच्छा, किसी को बुरा लग गया हो तो लग जाने दीजिए, लेकिन 24 घंटे में कंट्रोल कर दिया जाता था। मैं बताता हूँ कि आतंकवादियों के संरक्षित बरेली में 3 बार दंगा हुआ, कावड़ियों पर हमला हुआ, ए सराफत बरेली में 3 बार कावड़ियों पर हमला हुआ, ए सराफत मुझे इसका जवाब देंगे नितिन जी, मुझे बोलना है कावड़ियों पर 3 बार हमला हुआ था बरेली पे, पहले सुन लीजिए सराफत, मैं बता रहा हूँ वरना मैं बोलने नहीं देता हूँ। आपकी सरकार में
आप गंदी सीओ को जीप पर बैठकर टहलाया जाता था। मैं सबको सुनता हूँ, जनता जानती है, मैं सबको सुनता हूँ और अपनी बात पर बोलता हूँ। अगर मुझे कोई डिस्टर्ब करेगा तो मैं फिर उसका सम्मान नहीं रख पाऊंगा। ध्यान रखना, मैं मर्यादा तोड़ देता हूँ। अरे आपको चाचा का भी सम्मान नहीं रखते हो भाई, तो हमारा क्या करोगे? अगर तुम अपने पिताजी सम्मान नहीं रखते हो, अडवाणी जी का अपना सम्मान रखें क्या? अडवाणी जी कार्यकर्ता थे, चाचा नहीं थे, कार्यकर्ता नहीं थे, वो गुरु थे। जानते नीच पढ़ाई पावा, सो प्रथमे हंत ताई में सावा। और मैं आप सब भोग दूंगा, बुरा लग जाएगा, क्योंकि सीट पर प्रधानमंत्री की है। पैर छूते थे सड़क पर जाकर के, और इसके बाद में नमस्ते का जवाब दे। भारतीय संस्कृति है पैर छूने की, रामचरित मानस कहती है। भारतीय संस्कृति है पैर छूने की, सुनो, रामचरित मानस भारतीय संस्कृति है पैर छूने की। पढ़ाई पावा, मंच से धक्का देने की नहीं है। ताई में सावा, जो अपने से जिसको बढ़ाई मिलती है उसका अपमान करता, उससे बड़ा नीच कोई नहीं होता है। और फिर इतिहास सबका है, जो रजिस्टर तड़ी पार लोग रहे हैं, जो जिसको सरकार ने तड़ी पार किया था, जो लिखा पढ़ी तड़ी पार लोग हैं, उनको आप शराफत का सर्टिफिकेट देना चाह करके। कार सेवकों पर गोली किसने चलवाई? अयोध्या में कार सेवकों पर गोली किसने चलवाई? गुजरात का धंधा किसने करवाया? बलात्कारी, अरे भाई मुद्दा करवाया, बलात्कार करने वालों को जेल से छूटने पर माला किसने पहनाया बता दो? एक वो जो प्रेग्नेंट लेडी, उसका बलात्कार करने के बाद जो जेल काटे गए और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वो छोड़े जाएंगे? मथुरा में एसपी पर गोली किसने चलवाई? किसके कहने पर हुई थी? किसके सरकार में बलात्कार कर रही है बता दीजिए? हाँ, के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, मुझे बताओ। कानून मिठारी कांड किसकी सरकार में हुआ? मिठारी कांड किसकी सरकार में हुआ? सुनो, आतंकवादियों को बता देंगे भाई साहब, जहाज में बैठाल के। मिठारी कांड किसकी सरकार में हुआ? आपके नेता कहते थे छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। कांधार छोड़ने कौन गया था? आपके नेता कहते थे आतंकवादियों की बात करो। 150 दंगा हुआ था अखिलेश जी की सरकार में, 150 दंगा मालेगांव याद कर लीजिए, 150 दंगे हुए थे, 150 ऑन रिकॉर्ड। मालेगांव पे मांग लीजिए, आतंकवादियों को छोड़ने कौन गया था? आतंकवादियों की समर्थित अंकिता का कांड कहां हुआ? मैं शफाफ से पूछ रहा हूँ, अंकिता का कांड कहां हुआ? पीएफआई के समर्थन में है, चिनियानंद कहां गए बताइए? पीएफआई के समर्थन में मिश्रा कहां गए? टोनी मिश्रा कहां गए? जनता सुनना चाह रही है, अंकिता का क्या किया? पीएफआई के समर्थन में है, किया उसके लड़के को जला दिया उत्तराखंड में। नितिन जी जवाब दीजिए, पीएफआई के समर्थन में है? बिल्कुल नहीं, पीएफआई के समर्थन में है? देश आपको सुनना चाह रहा है, बोलिए, बोलते रहोगे? आप पीएफआई के समर्थन में सुन लीजिए, नितिन भाई कुछ बोलने जा रहे हैं। सवाल भाई, सवाल जी सुन लीजिए, नितिन जी बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। सुनना नहीं पसंद करते हैं, सच बात। नितिन जी बोलिए, इनको गला फाड़ने पर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी टिकट दे दे। मैं गला फाड़ने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं ऐसी बात बोलना चाहता हूँ कि आप भी सुन लें और दर्शक भी सुन लें, इसलिए इनको चुप कराओ तो मैं बात बोलूंगा। आप बता दीजिए, पीएफआई के समर्थन में है या नहीं है? डिबेट इसी पर चल रही है कि पीएफआई इतने आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाया गया कि नहीं? अगर पाया गया तो उस पर कार्रवाई हुई, 103 लोग गिरफ्तार हुए। सपाद भाई सुन लीजिए, 15 राज्यों में। सपाद जी सुन लीजिए, सपाद जी सुन लीजिए भाई, दूसरे की सुन लीजिए भाई। नितिन जी बोलिए, बोलिए, सपाद जी सुन लीजिए, बोलिए। गौरव जी देखिए, एक बात मेरी बात सुन लीजिए, बोलिए। कमान आती को मैं बिठा कर बार बार टोक रहा है जी। सपाद जी तो मेरे सुन लीजिए भाई, आपको मौका दिया जाएगा, आप अपनी बात कहिएगा। बोलिए हम तो सुनने ही आए हैं जी। मुझे अरे यार फिर बोल रहा है तो तीन ही आदमी दबा दीजिए, सुन लीजिए भाई। गौरव जी जी बोलिए, मुझे कोई चैनल कोई पैसा नहीं देता है कि मैं इतना ची खाऊं कि गला फाड़ूं, ठीक है जी। मैं बात को रखने आता हूं सर आपस जी, से जी, और ऐसे बदतमीज लोगों को नहीं पर बैठाला करो। सपा भाई प्लीज, सपा भाई प्लीज शांत रहिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। सही बात है, बोलेंगे तो मैं बात बात को रखो नहीं, बात को कहो जी। बोलिए 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 बोलिए, जब आप प्रश्न करते हो दूसरा बोलता, मैं बीच में नहीं बोलता। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं बोलूं गर्मा है भाई, डिबेट की गर्मा है, ये सुनना है दूसरे को, सुनना अपने टर्न पे बोलना है। बोलिए बोलिए बोलिए, गर्मा का ध्यान रखिए। नितिन जी बोलिए, बोलिए नितिन जी, बोलिए बोलिए नितिन जी, आप भी काउंटर करिए। बोलिए बोलिए नितिन जी, बोलिए।
मैं देखिए दो बातें साफ साफ कह रहा हूँ, मैंने दो प्रश्न पूछे इनको, बहुत ज्यादा इनको मिर्ची लग गई। इन्होंने कहा आतंकवादी, मैंने पूछा कि हवाई जहाज में बैठाल करके आतंकवादियों का कंधार छोड़ने कौन गया था, इनके पास उत्तर नहीं होता है। मालेगांव के ब्लास्ट वालों का लोकसभा भेजा जाता है, इनके पास उत्तर नहीं होता है। जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ा जाता है, उनको माला पहना के स्वागत किया जाता है, इनके पास जवाब नहीं देता। एक बात इन्होंने कोट की थी कि इनके नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में कहा था कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है। मैं इनसे इस बात से सहमत हूँ, लेकिन यह बात क्यों भूल जाते हैं कि इस देश में अगर परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला भी अब्दुल हमीद भी एक मुसलमान था, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी एक मुसलमान थे, इस देश को मिसाइल में वैसे मिसाइल से सुसज्जित करने वाले एपीजे अब्दुल कलाम भी मुसलमान थे, मेजर सलमान भी देश की आजादी की लड़ाई के लिए शहीद होने वाला मुसलमान था। ये उन लोगों को क्यों भूल जाते हैं, ये बात क्यों नहीं कही जाती इस देश में कि हम भारतीय हैं। इस देश में सभी भारतीय हैं, सबका अपना मजहब होगा, सबको संविधान ने अपनी पूजा अपनी इबादत करने की स्वतंत्रता दी है। देश की अस्मिता से जो खिलवाड़ करेगा वो पनिशमेंट का दंड का अधिकारी होगा, पूरा देश उसका बहिष्कार करेगा, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे वो एपीबीपी हो, चाहे वो आरएसएस हो, जो भी देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की साजिश करेगा पूरा देश उसको बेनकाब करने का काम करेगा। जो दो बातें अभी हमारे पूर्व एक वक्ता कह रहे थे कि सरकार का विरोध करना राष्ट्र का विरोध करना नहीं होता है, जनहित के मुद्दों में सरकार का ध्यान आकर्षण कराना, जन आंदोलन करना, सरकार का विरोध करना, ये लोकतंत्र का अधिकार है। लेकिन राष्ट्र का विरोध करना जो भी करेगा, चाहे वो आरएसएस करे, चाहे वो बजरंग दल करे, चाहे सिमी करे, पीएफआई करे, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा सिर्फ एक सवाल इनसे ये है, इसका जवाब ये दे दे, ये लगातार 8 साल से देश की सत्ता में है, और ये मेरा जो आरोप है वो भी इसका जवाब देंगे और इसके बात का जवाब देंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आई उसके बाद ही ये संगठन बहुत ज्यादा फल फूल रहा है। अच्छा। मेरा आरोप भी है कि ये सत्ता संरक्षित संगठन है। अच्छा। और अगर नहीं है तो जैसा इन्होंने दावा किया कि उसके पास 1 करोड़ 120 करोड़ रुपए, वो 120 करोड़ रुपए आए की जांच हुई, वो किसका पैसा था, कहां से आया, उस पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई, ये इनकी जांच एजेंसियों की असफलता और सरकार की असफलता है। पैसा किस माध्यम, प्रधानमंत्री जी कहते थे कि ये देश में हवाले से पैसा आता है, एजेंसियां क्या करें। वही प्रश्न है कि अगर इस देश में पैसा आया, विदेश से आया है, 2 नंबर से आया है, अभी तो नोटबंदी की थी कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, नोटबंदी के बाद इनको पैसा कहां से आ गया, नोटबंदी आपकी सरकार में हुई थी, उसके बाद अगर पैसा आ गया तो ये सरकार की ठीक है, ठीक है, लेता हूं। दूसरा, अगर वो संगठन आतंकवादी है तो आप बैन कब लगाओगे। ठीक है, ठीक है, लेता हूँ। इरम जी कुछ बोलना चाह रही, फिर सभा को लेता हूँ। बोले इरम जी, अभी महिला की बात आई, अभी बलात्कार की बात आई, तो उन्होंने ये साफ साफ जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि वहां पर ऐसे हुआ था। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हाँ हमारी गलती है, हमारा निकम्मापन है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी में ये हुआ था, यानी कि इनकी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं। अच्छा, आधी रात में हाथरस की एक बेटी को जला के मिट्टी का तेल डालकर जलाकर जला दिया जाता है और कहते हैं कि हम महिला को सुरक्षा दे रहे हैं। एक महिला के बलात्कारियों के 15 अगस्त के दिन उसको छोड़ दिया जाता है, तो इनको कहीं ना कहीं सत्ता दिखाई दे रही है, वोट दिखाई दे रहा, वोट बैंक दिखाई दे रहा है, और इनको महिलाओं से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। इनको महिला सुरक्षा से कोई मतलब नहीं, किसी महिला के साथ बलात्कार हो, क्योंकि ये सीधे सीधे एक लाइन का जवाब दे देंगे कि यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है। अच्छा। इसलिए महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार होता रहेगा। अच्छा, ये चाहिए इरम जी, अभी हाल में जो निघासन में घटना हुई, लखीमपुर घटना, वहां पर आम आदमी पार्टी का कोई गया था,
कोई बड़ा नेता गया था, क्योंकि तिकोनिया कांड में तो बहुत लोग गए थे, वहाँ पर प्रतिस्पर्धा चल रही थी आम आदमी पार्टी से, वहाँ पर उन दलित परिवार के लिए, उन उस परिवार के लिए कोई क्या वहाँ पर ढांढस बनाने गया था हमारी पार्टी से तरफ से? कहाँ पे सर? जो निगासन में घटना हुई है, जो निगासन में घटना हुई है जहाँ पर दो बच्चियों का हत्या कर सब टांग दिया गया जी, था जी, तो आम आदमी पार्टी ने कोई विरोध किया इसके लिए? बता दूं, एक मिनट बात सुन लीजिए, देखिए मैं आपको बता दूं, मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ जी, मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हूँ। हाँ। अगर अपने पे आ जाऊंगी तो अपनी बात बिल्कुल सुनूंगा, बिल्कुल सुनने बैठा हूँ, सुनने ही बैठा हूँ रमदीप जी, सुनने बैठा हूँ, सुनाइए सुनाइए सुनाइए, सुनने की आदत डाल लीजिए। पहली बात आपको बता दूं कि हमारे यहाँ सूरज प्रधान जी जो है वो दोनों दो घटना हुई थी। हाँ। बच्ची वाली जो दो बेटियां को अपहरण कर मारा गया था, फांसी दी गई थी, उनके उसमें पूरा एविडेंस है, अगर कहिएगा मैं आपको भेज दूंगी। आम आदमी पार्टी की पूरी टीम गई थी। अच्छा, संजय सिंह, संजय सिंह नहीं गए थे वहाँ पर? संजय सिंह नहीं गए थे वहाँ पर जी? संजय सिंह वहाँ पर नहीं गए थे? देखिए जी, संजय सिंह नहीं गए थे, लेकिन आपको बता दे संजय सिंह के लोग गए थे। अच्छा। आम आदमी पार्टी के लोग गए थे। अच्छा। सूरज प्रधान प्रदेश अध्यक्ष है वो अवध प्रांत के। अच्छा। देखिए एक बात मेरी सुन लीजिए जी, आप जैसे समाजवादी पार्टी के लोग प्रवक्ता को आप पिंच करते, पिन मारने का काम करते हैं ना। हाँ। आपके पिन करने में मैं अपने मुद्दे से नहीं भटकूंगी, मैं वहीं पर आऊंगी, फिर बार बार मैं आपका जवाब देने के बाद फिर अपने मुद्दे पर आऊंगी। मैडम बताएंगी मुद्दा क्या है? मुद्दा आपका यह है कि आपने पूछा कि क्या आम आदमी पार्टी के लोग उस बच्ची के उसमें गए थे? बिल्कुल गए थे, उस परिवार के साथ गए थे। मैडम मुद्दा यह है, देखिए मुद्दा ये है कि पीएफआई जो संगठन है मुद्दे पे आइए, वो राजद्रोही गतिविधियों में पाया गया कि नहीं? जनता पार्टी का हाँ या ना में जवाब दीजिए, आरोप लगाना, हाँ या ना में जवाब दीजिए, सिद्ध करिए, बहुत देर से आप बोल रही हैं, आरोप सिद्ध करिए, आप बताइए पीएफआई आतंकवादी संगठन की गतिविधियों में पाया गया कि नहीं? पहले आप आरोप सिद्ध करिए, आरोप सिद्ध करना काम है, बाकी जो कार्रवाई हुई है उसको गतिविधियों में पाया गया, उस पर कार्रवाई की गई, उसके लोग पकड़े गए, इससे आप सहमत हैं कि नहीं? आप मुद्दे से भटकिए, आपकी आप पार्टी की प्रवक्ता है, आप बताइए, मैं आपकी बौखलाहट आपसे पूछा जा रहा है, जो आज का मुद्दा है वो पीएफआई पर जो कार्रवाई हुई है, जो पीएफआई संगठन इस देश की आतंकवादी घटनाओं में पाया गया लिप्त पाया गया, इसलिए उस पर कार्रवाई हुई, देश के 15 राज्यों में छापे मारे गए, 93 स्थानों पर कार्रवाई हुई, इससे आप सहमत हैं या नहीं? आरोप सिद्ध हुआ, आरोप सिद्ध हुआ, अगर आरोप सिद्ध जब होगा तब होगा, जब कार्रवाई गतिविधियों में पाया गया तो कार्रवाई की गई। देखिए किसी भी देशद्रोही के साथ नहीं खड़ी है, आतंकवादी संगठन के साथ है, आम आदमी पार्टी आतंकवादियों के साथ है, देशद्रोही के साथ नहीं खड़ी है, जो राजद्रोह का काम कर रही है आप उनके साथ हैं, रहेगी जो देश राजद्रोह का काम कर रहे हैं उनके साथ हैं आप। देखिए देखिए आप एक बात समझ लीजिए, चिल्ला लेने से हो गया, दबा लेने से पूछना चाहते हैं, आपको लग रहा है राजस्थान का नेतृत्व हो गया, हो गया प्रधानमंत्री कहते हैं, हो गया देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, राजस्थान में मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि अभी लेटेस्ट घटना हुई है, एक दलित परिवार का लड़का 8 साल का घड़ा छू लेने से उसको मतलब मार दिया जाता है, क्या देश के अंदर ये परंपरा क्या सही है? क्या भाजपा इसके ऊपर एक्शन लेगी? क्या टोनी मिश्रा का जो चल रहा है आज किस तरीके से छूटा हुआ घूम रहा है, क्या उसके ऊपर अभी तक के क्या संज्ञान दिया? क्या आप सेंगर साहब सुन लीजिए, सेंगर साहब है जैसे कहते हैं कि इनके दूल्हे हुए, तो इसके देश के अंदर मैं बता रहा हूँ कोई भी आदमी लड़की या औरत कोई भी निकलने के लिए बड़ी मजबूर है कि देश के अंदर क्या हो रहा है, और इसको चाहिए कि भाजपा पहले सबसे पहले इस चीज को देखे, और मेरा कहने का मतलब है पीएफआई हो कोई भी संगठन हो देश के अंदर, चाहे आरएसएस हो कोई भी हो एनीवे हो, और उसको भी है उसकी जांच होना चाहिए कि कौन किसका हो रहा है, और हमारे से कहने का मतलब है कि आपस में हो गया सभी मेहमानों का आरएसएस की जांच, हो गया सभा भाई, सभा भाई हो गया सभा भाई हो गया सभा ऊपर हो गया जी, हो गया, आप कोर्ट का विषय है, कोर्ट करेंगे आरएसएस की जांच करने की, हो गया भाई, हो गया,
संविधान है, आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेगी कोई, जुडिशरी आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेगा, भाजपा का कोई भाजपा के लीडर शहादत में हिंदुस्तान की आजादी मिल रही है। ठीक है, ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया। आप सभी का कार्यक्रम में जोड़ने के बाबत धन्यवाद। और यहाँ पर चर्चा जो थी वो चर्चा ये थी कि पीएफआई पर जो लगातार लगातार कार्रवाई चल रही है, उस कार्रवाई में बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, सभा में समय हो गया है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि अगर कार्रवाई हो रही है और साक्ष्य मिल रहे हैं, साक्ष्य मिलने के साथ साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि अगर कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई के विरोध में निष्पक्ष होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई के विरोध नहीं किया गया, क्योंकि देश की जनता भी जानती है कि अगर सरकार कार्रवाई कर रही है, अगर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो कुछ सोच के कर रहा है। उस कार्रवाई में अगर कुछ साक्ष्य सामने आते हैं, कड़ी कार्रवाई होती है और बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार होते हैं, कहीं ना कहीं इसका लाभ देश को मिलेगा, क्योंकि सामाजिक सौहार्द बनाना बहुत ज़रूरी है। हम धर्मनिरपेक्ष, हमारा देश है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के हिसाब से यहाँ पर व्यवस्थाओं को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देश के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है कि देश के लिए जो भी कार्रवाई होती है उसमें पर समर्थन दें। आने वाले समय में न्यायालय बताएगा कौन सही है कौन गलत है, पर यहाँ पर कार्रवाई जब भी होती है तो उस कार्रवाई के पीछे कुछ साक्ष्य होते हैं, कुछ इनपुट होते हैं, कुछ सूचनाएं होती हैं, और सूचनाओं के माध्यम से यह कार्रवाई की गतिविधियां चलती रहती है। बड़ी कार्रवाई चल रही है, राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई चल रही है, और आने वाले समय में हो सकता है कार्रवाई और चले, तो यहाँ पर देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि इस कार्रवाई के समय सामाजिक सौहार्द को बनाए रखें और सबसे पहले जाति धर्म और देश को यहाँ पर एक अलग व्यवस्था को देखते हुए सबसे पहले जाने कि हम लोग जाति धर्म से हटकर पहले भारतीय हैं, और भारतीय होने के नाते हमारा एक नैतिक कर्तव्य है कि हम देश के विरोधियों के साथ कोई भी समर्थन का बात ना करें, और अगर देश के विरोधियों के साथ हम समर्थन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी भारतीयता पर शक है, क्योंकि हम सब कुछ होने से पहले ये भारतीय हैं, और ये भारतीय होने के नाते हमारा देश के प्रति जो निष्ठा है उसको बनाए रखना है। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे जरूरत थी, नमस्कार।